हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया। ओके, थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ के हुआ कि नहीं हुआ सबका, पहले बता दो फटाफट। थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ के हो गया तो ही ग्रेविटेशन आज चालू करेंगे, नहीं तो नहीं चालू करेंगे। ओके, थर्मल प्रॉपर्टीज का आपको पता है कि सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, जाओ थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ो। अगर अभी तक नहीं पता है, थर्मल प्रॉपर्टीज हम लोग ने खत्म कर दिया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले बहुत बेहतरीन टॉपिक, विच इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। ओके, बहुत लोग बोल रहे थे सर ग्रेविटेशन पढ़ाओ, ग्रेविटेशन पढ़ाओ, तो हम लोग मतलब आ चुके हैं ग्रेविटेशन के साथ और बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। ग्रेविटेशन बोले तो बहुत ही मजेदार टॉपिक। ओके, सो ग्रेविटेशन में देखो, बेसिकली ग्रेविटेशन में सब लोग है ना बहुत चीजें एक्स्ट्रा पढ़ने की सोचते हैं, बट यहां पे हम लोग मात्र सिर्फ न्यूटन की कहानी पढ़ने वाले हैं। यहां पे कहीं पे भी आइंस्टाइन का रोल नहीं है। आइंस्टाइन का जो रोल है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो वो चीज में तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, यहां पे कहीं पे भी तुम लोग को इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी ये सब कुछ भी नहीं है। ओके, तो वहां पे तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, यहां पे हम लोग मात्र सिर्फ न्यूटन्स लॉ की कहानी पढ़ने वाले हैं, न्यूटन से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो सो बुक और पेन उठा लो, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर विच इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। ओके, देखो ग्रेविटेशन एक बोलते ना ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर मान लो एक ऐसा सिलेबस है, या फिर मान लो ऐसा टॉपिक है जो एक घंटा, दो घंटा, चार लेक्चर, पांच लेक्चर में खत्म नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, लाइक जब तुम ग्रेजुएशन में जाओगे, जब तुम पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, जब तुम पीएचडी करोगे, तो भी तुम ग्रेविटेशन के बारे में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इतना वास्ट और इतना डीप टॉपिक है ये, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सारी बेसिक चीजें यहां पर देखने वाले हैं। ओके, सारी की सारी बेसिक चीजें देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सबसे बेसिक लॉ, विच इज नथिंग बट अ केपलर लॉ। ओके भाई, कैपलर ने कहानी दी सबसे पहले। ओके, कैपलर ने तीन लॉ दिया और उस तीन लॉ के बेसिस पे ओके न्यूटन ने अपना कहानी स्टार्ट किया। एक्चुअल में ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ था गैलीलियो से। ओके, जब गैलीलियो ने कंसेप्ट चालू किया, जब उन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर किया, जब उन्होंने प्लैनेट को ऑब्जर्व करना चालू किया, तब जाके ग्रेविटेशन का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत आया। ओके, ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने डायरेक्टली ग्रेविटेशन बता दिया, नहीं ना, ग्रेविटेशन की कहानी थोड़ी बहुत चल रही थी उस टाइम पे, न्यूटन ने क्लियर किया। ओके, सर आइज़क न्यूटन ने क्लियर किया उस टॉपिक को। सो लेट अस स्टार्ट विद कैपलर लॉ। कैपलर ने तीन लॉ बनाए थे अगर तुमको याद होगा, तो एक लॉ था दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल लॉ, जिसको हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ ऑर्बिट, यस और नो। एक है तुम्हारा क्या बोलते हैं एरियल लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ इक्वल एरिया। और नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड। तो कैपलर की ये तीन कहानी है। ओके, तीनों कहानी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज ऑर्बिटल लॉ। ओके, व्हाट इज ऑर्बिटल लॉ भाई? ऑर्बिटल लॉ क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि जो भी प्लैनेट्स हैं, ऐसा माना जाता था बहुत पहले कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। ओके, बट कैपलर ने क्या किया, बाय ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि भाई एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में घूम रहे हैं। ओके, मतलब ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द इलिप्टिकल पाथ। ओके, वो इलिप्स में घूम रहे हैं इंस्टेड ऑफ सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहे हैं। ओके, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि वो सर्कुलर पाथ है, बट एक्चुअल में वो सर्कुलर पाथ नहीं, वो इलिप्टिकल पाथ है। कौन सा पाथ है? इलिप्टिकल पाथ है। ओके, और जो सन होगा वो वन ऑफ द फोकस पे होगा। जैसे इलिप्स है, अगर तुमको पता होगा मैथ्स में तुमने पढ़ा रहेगा इलिप्स, तो इलिप्स को दो फोकस होता है, इलिप्स को दो फोकस होता है। तो मान लीजिए तुम्हारा प्लैनेट है, तो जो सन होगा वो दोनों में से किसी एक फोकस पे रखा होगा, दोनों में से किसी एक फोकस पे होगा। मान लो यहां पे तुम्हारा सन है, बस नहीं, दिस इज नथिंग बट ऑर्बिटल लॉ। इसको ही ऑर्बिटल लॉ बोलते हैं कि भाई जो प्लैनेट है वो प्लैनेट रिवॉल्व होता है अराउंड द, कहां पे रिवॉल्व होता है? अराउंड द सर्कुलर पाथ, ना अराउंड द इलिप्टिकल पाथ। कहां पे? इलिप्टिकल पाथ। ओके, और सन कहां पे रखा होता है? वन ऑफ द फोकस पे। ओके, वन ऑफ द फोकस पे कहां रखा होता है? सन रखा होता है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्वल एरिया। ओके, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वल एरिया? तो भाई उन्होंने बोला कि जो एरिया है विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, ओके, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ओके, वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, या फिर उसको ही बोल लो एरियल वेक्टर। ओके, सो एरियल वेक्टर हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एरियल वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट होता है। ओके, सो यहां पे क्या है इसका मतलब समझो, व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वल एरिया? तो एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया। ओके, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो प्लैनेट है वो स्वीप करते हैं इक्वल एरिया। मान लो कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि भाई एक प्लैनेट पी है, वो यहां पे है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ किया सन से। अब मान लो आफ्टर कुछ टाइम बाद वो प्लैनेट P2 पे चला गया, पहले P1 पे था फिर P2 पे चला गया। मान लो कुछ उसने एरिया स्वीप किया, ये एरिया स्वीप किया। अब मान लो ये हुआ सिक्स्थ मंथ में, कितने, छह मंथ में, ऐसा मान लेते हैं। ओके, मान लो, या फिर टू मंथ में हुआ ये,
अब 2 मंथ का इंटरवल कहीं पे लेंगे नहीं, मान लो कि यहां पे है, मान लो ये उसका पोजीशन S1 है और मान लो ये पोजीशन S2 है, तो ये जो एरिया स्वाइप होगा ना, ये इक्वल एरिया होगा। ओके, कंडीशन की तुम्हारा जो टाइम इंटरवल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो अगर ये 2 मंथ का टाइम इंटरवल है तो ये भी क्या होगा, 2 मंथ का टाइम इंटरवल होगा। तो भाई दोनों का सेम टू सेम टाइम इंटरवल, सेम टू सेम टाइम इंटरवल मतलब दोनों का जो एरिया स्वीप होगा ना वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहां पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं डेल ए बाय डेल टी क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। डेल ए बाय डेल टी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, मतलब ये जो टाइम विथ रेस्पेक्ट, एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, और इसको ही हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, इसी चीज को बोला जाता है एरियल वेलोसिटी। इसी चीज को बोला जाता है एरियल वेलोसिटी, मतलब एरियल वेलोसिटी यहां पर क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। क्लियर बात सुन आ गई। अब ये चीज तुमको प्रूफ करते हैं। ओके, मतलब डिराइव करने बोलते हैं कि बताओ भाई ये कैसे आया। ओके, इसको डिराइव करो कैसे आया। ओके, सो अगर तुमको डेरिवेशन चाहिए तो मेरे को बता देना। ओके, कमेंट करके बता देना कि सर इसका डेरिवेशन पढ़ाओ, तो आई विल शो यू हाउ टू डिराइव। ओके, अगर तुमको नहीं चाहिए, तुमको समझ में आ गया है, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि नहीं सर खाली स्टेटमेंट से काम चल जाएगा, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स योर चॉइस, जैसा तुम लोग बोलोगे हम लोग वैसा कर लेंगे। ओके, चलो थर्ड लॉ की बात करें हम लोग, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड। ओके, लॉ ऑफ पीरियड। ओके, टाइम पीरियड बोले तो द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू रिवॉल्व द वन इलिप्टिकल पाथ। ओके, अब उसको हम लोग इलिप्टिकल पाथ हर बार नहीं बोलेंगे, हर बार उसको जनरल टॉक में हम लोग उसको सर्कुलर पाथ बोल देते हैं या फिर ऑर्बिटल बोल देते हैं। ओके, तुम्हारा अर्थ ऑर्बिट हो गया, अर्थ का एक ऑर्बिट है, तुम्हारा जुपिटर का एक ऑर्बिट है, तुम्हारा मर्कुरी का एक ऑर्बिट है, तुम्हारा वीनस का एक ऑर्बिट है, हर एक ऑर्बिट है, बराबर। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट, द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कवर वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन लगने के लिए जो ये लगेगा टाइम पीरियड लगेगा, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, वेयर आर इज सेमी मेजर एक्सिस। ओके, मतलब एक तरह का वो सेमी मेजर एक्सिस है, मान लो ये वाला जो पार्ट है दिस इज योर आर। ओके, ये तुम्हारा आर है, द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, मतलब द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, वेयर आर इज नथिंग बट द सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सेमी मेजर मतलब यहां पे मैं लिख सकता हूं भाई T1 बाय T2 का होल स्क्वायर बराबर होगा R1 बाय R2 के होल स्क्वायर से, होल क्यूब से। T1 बाय T2 का स्क्वायर बराबर होगा R1 बाय R2 के होल क्यूब से। क्लियर, बात समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गया सबको, एवरीवन पक्का? ओके, बहुत बढ़िया। दीज आर द कैपलर्स लॉ। ओके, दीज आर द कैपलर्स लॉ। अब इसके बाद कहानी चालू होती है न्यूटन की। ओके, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो न्यूटन लॉ बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन लॉ। तो न्यूटन ने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, देखो। So, मान लो यहां पे दो बॉडी है, लेट्स से एक बॉडी का मास हम लोग ले लेते हैं M1 और लेट्स से दूसरे बॉडी का मास हम लोग ले लेते हैं M2। लेट्स से एक का मास ले लेते हैं M1, एक का मास ले लेते हैं M2, और मान लो कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो न्यूटन ने क्या बोला कि भाई ये जो दोनों बॉडी है ना, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये दोनों बॉडीज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे विथ सम फोर्स। ओके, विथ सम फोर्स, and that force is equals to भाई वो फोर्स किसके बराबर होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसको कंबाइन कर दो तो दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो कॉन्स्टेंट देते, दैट इज G, वेयर G इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, वेयर G इज यूनिवर्सल गैस गैस बोल रहा हूं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट।
एक्चुअली अभी काइनेटिक थ्योरी पढ़ाना चालू किया ना, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन अभी रिसेंटली हम लोग ने लास्ट लेक्चर में थर्मल प्रॉपर्टीज भी खत्म किया था, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ने भी हम लोग ने यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट पढ़ा था जिसको कैपिटल आर बोलते हैं हम लोग, तो इसलिए वो निकल गया। ओके, बट इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, ओके, जी को। और जी का वैल्यू क्या होता है, जी का वैल्यू होता है हमेशा याद रखना, दैट इज 6.67 × 10⁻¹¹. ओके, क्या होता है 6.67 × 10⁻¹¹. यूनिट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस द यूनिट फॉर जी के लिए। ओके, कैपिटल जी के लिए, डोंट कंफ्यूज बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ओके, याद रखना स्मॉल जी होता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम लोग पढ़ेंगे आगे, और जो कैपिटल जी है दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है। क्लियर बात सुन आ रही है? दिस इज नथिंग बट अ न्यूटन्स लॉ। ओके, दिस इज नथिंग बट अ न्यूटन्स लॉ। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? बाई बोथ द ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट ओके इन द यूनिवर्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, दे ऑलवेज अट्रैक्ट टू इच अदर विद अ फोर्स ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो रटा हुआ सबको, ये तो क्योंकि मेरे ख्याल से 10th में भी था ये, 9th में भी था मेरे ख्याल से ये। ओके, तो ये चीजें सबको रटी हुई है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग को काम करना है। अब इसी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में समझो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब वेक्टर फॉर्म में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी फॉर्मूले को। चलो अब वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। इन वेक्टर फॉर्म देखो, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा अगर हम लोग देखने जाएं, मान लो ये बॉडी M1 है और ये बॉडी M2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं R12। ओके, तो देखो बॉडी फोर्स F12, मतलब दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन बॉडी वन ड्यू टू टू, कितना ही फोर्स लगाएगा, दैट इज जी एम एम वन एम टू बाय आर वन टू का स्क्वायर। बस यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो कहां से कहां तक होगा, वन टू से, मतलब वन से लेके टू तक का कैप, दिस इज नथिंग बट कैप। ओके, ये यूनिट वेक्टर है F12 का, दैट इज वो कहां से कहां तक है, R12 तक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएं, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो सेकंड वाले पे फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लगेगा, दैट इज G M1 M2 बाय R12 का स्क्वायर। अब बहुत लोगों को लगे सर यहां पे तो 2 1 आना चाहिए, देखो 2 1 आए या R1 आए भाई डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, 1 2 लिखो या 2 1 लिखो डिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है, बट डायरेक्शन चेंज होगा यहां पे, यहां पे आ जाएगा R21 कैप, मतलब यहां पे जो तुम्हारा क्वांटिटी है वो R21 कैप हो जाएगा। अब देखो सर R21 को अगर मेरे को डायरेक्शन चेंज करना है, सो दिस R21 कैन बी रिटन एज F21 इज इक्वल्स टू जी एम वन एम टू बाय R12 का स्क्वायर। इसका अगर मेरे को डायरेक्शन चेंज करना है तो माइनस लगाना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी में, डायरेक्शन चेंज करने के लिए माइनस लगता है सुनो, मतलब यहां पे देखो ये पूरा चीज सेम है, बस यहां पे क्या है माइनस साइन है, सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं F12 बराबर होता है माइनस F21 के। मतलब हमेशा याद रखना एक बॉडी दूसरे बॉडी को एक इस तरफ अट्रैक्ट करेगा और एक बॉडी इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, इसका मतलब क्या है भाई, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है अट्रैक्ट करने का अपोजिट है, एक ऐसे खींच रहा है बॉडी को और एक इस तरफ खींच रहा है बॉडी को। ओके, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं एंड दैट अपोजिट डायरेक्शन वो यहां पे माइनस साइन है, मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू इज इन अपोजिट डायरेक्शन द फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर बात समझ आ रही है? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेक्टर फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें उसको समझना, क्योंकि भाई फोर्स है, फोर्स है मतलब डायरेक्शन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे। क्लियर बात समझ आ रही है एवरीवन? पक्का समझ में आया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? चलो नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? देखो अर्थ हमको खींच रहा है, बराबर कोई तो फोर्स से अर्थ हमको खींच रहा है। Let's say that force, अगर हम लोग देखने जाए, the force of attraction between me and earth, okay, between object and earth. तो consider a object, of mass, और जिसका mass ले लो small m, and, okay, mass of the earth, जो कि सबको पता होता है, that is mass of earth is
उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं बराबर, और रेडियस ऑफ द अर्थ उसको हम लोग डिनोट करते हैं दैट इज कैपिटल आर से। ओके, ऑलमोस्ट हर बार यही करते हैं हम लोग। तो यहां पे अगर देखो हम लोग अगर अर्थ पे खड़े हुए हैं तो अर्थ पे जब हम खड़े हैं तो अर्थ हमको घींच रहा है बराबर, किससे घींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, या सुनो मतलब मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, या सुनो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मी एंड अर्थ इज नथिंग बट एफ इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर का स्क्वायर, क्योंकि ये अर्थ है और यहां पे मैं हूं, तो मेरे और अर्थ के बीच में डिस्टेंस देखो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ का ही बनेगा ना, तो ये फॉर्मूला बन गया। बट वो जो घींच रहा है वो क्या फील हो रहा है मुझे, दैट इज नथिंग बट अ वेट ना भाई, जितना अर्थ मेरे पे फोर्स लगा रहा है वो फोर्स मुझे फील कब हो रहा है, जब मेरे पे वेट लग रहा है, मतलब द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन मी एज अ वेट भाई, वो सारा का सारा फोर्स मेरे पे लग रहा है एज अ वेट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स होगा वेट के, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम देखने जाए तो बराबर होगा वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है दैट इज जी एम एम बाय आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी, एम से एम कटा बराबर, देखो जी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा दैट इज जी एम बाय आर का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस ग्रेविटी। क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, बात समझ आ गया। अब मान लो यही तुम हाइट पे चले जाते हो, लेट्स से तुम एच हाइट पे चले गए यहां पे, तो यही फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, यही फॉर्मूले में चेंज आएगा दैट इज जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इसी फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर, बात समझ आ गया, दिस इज नथिंग बट एट हाइट एच, ये फॉर्मूला एट हाइट H, और ये जो फॉर्मूला है ये कहां पे है, ये अर्थ सरफेस पे है, कहां पे है, अर्थ सरफेस पे है। क्लियर, बात समझ आ रहा है एवरीवन। अब मान लो कि भाई तुम लोग एच हाइट पे जा रहे हो, मान लो तुम लोग एच हाइट पे जा रहे हो तो वेरिएशन होगा भाई, ये जो जी है ये चेंज होगा, ये किस विथ रेस्पेक्ट टू में चेंज होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, वो हमको बताना है कि भाई ये किस विथ रेस्पेक्ट टू में चेंज होगा। चलो, द नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, कैसे चेंज होगा, तो वेरिएशन तीन तरह देखने मिलते हैं तुमको, ड्यू टू द हाइट विच इज कॉल्ड एज एल्टीट्यूड, ड्यू टू द डेप्थ, ओके, और ड्यू टू द लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंगल की वजह से भी चेंज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्यू टू हाइट, मतलब अर्थ सर्फेस से हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, इसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, मतलब हाइट, अर्थ सरफेस से कितना ऊपर जा रहा है। ओके, सो मान लो कि भाई यहां पे अर्थ है मान लो, ओके, और मैं यहां पे खड़ा हूं कहीं तो, और ये उसका ऑर्बिट है, मान लो ये एच है, मान लो ये आर है बराबर। देखो कहानी कैसे बनेगी, अगर हम लोग देखने जाए तो एट अर्थ सरफेस क्या होता है, That is g is equals to gm by r square, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। एट हाइट एच, एट हाइट एच क्या होता है, एट हाइट एच तो दैट इज जी एच इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर प्लस एच, हाँ ना, ये एच हाइट पे है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग ने रिप्रेजेंट करने के लिए जी एच ले लिया है, और ये अर्थ पे है तो उसको हम लोग दिखाने के लिए उसको हम लोग ने जी ले लिया, विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में उतना डिटेल में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने टेंथ पढ़ा होगा, टेंथ में ग्रेविटेशनल टॉपिक है तुमको, वो तुम लोग ने पढ़ा होगा, तो नाइन्थ में, टेंथ या नाइन्थ में है तुमको ग्रेविटी, तो वहां पे तुम लोग ने ये चीज ध्यान दी होगी, बेसिक चीज है। ओके, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल पार्ट में जा रहे हैं, मतलब थोड़े हार्ड वाले पार्ट में जा रहे हैं। तो इन दोनों का वेरिएशन अगर मेरे को देखना है तो लेट्स से कि भाई ये इक्वेशन को नंबर वन दे दो, ये इक्वेशन को नंबर टू दे दो, और दोनों को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड इक्वेशन टू बाय वन, हाँ है ना, डिवाइड इक्वेशन टू बाय
वन क्या मिलेगा देखो जरा, तुमको मिलेगा दैट इज जी एच डिवाइड बाय जी इज इक्वल्स टू, अगर इसको डिवाइड करोगे देखो जीएम जीएम दोनों में सेम हो जाएगा, क्या मिलेगा यहां पे आ जाएगा तुम्हारा आर प्लस एच का होल स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर। अब इसके अंदर से आर कॉमन ले लो, देखो जब तुम लोग आर कॉमन लेते हो तो यहां पे आर है, यहां से आर बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर, यहां पे आर है क्या नहीं, आर नहीं है मतलब क्या करेंगे डिवाइड में प्रोवाइड कर देंगे बराबर, यहां से आर स्क्वायर कॉमन कैंसल, ये जी को ऊपर लेके जाओ तो यहां पे क्या मिलेगा जी एच इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट वन प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, दिस इज द वेरिएशन, दिस इज द वेरिएशन, दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू कितना भी हाइट हो। ओके अब एक और फॉर्मूला होता है जहां पे हम लोग अजम्पशंस करते हैं, क्या अजम्पशंस करते हैं देखो ये वाले ब्रैकेट को ऊपर लेके जाओ तो क्या मिलेगा तुमको जी एच इज इक्वल्स टू जी वन प्लस एच बाय आर का होल माइनस टू। अब बाय यूजिंग बाइनोमियल, बाय यूजिंग बाइनोमियल क्या मिल जाएगा, बाय यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम तुम लोग को मैथ्स में है तो बाइनोमियल में क्या ही ध्यान देना है, हम लोग ने ऑलरेडी एक बार यूज किया है भाई, ये जो बीच वाला ये है ना ये डायरेक्टली तुम्हारा अंदर आ जाएगा, जो पावर है ये इसके साथ आ जाता है तो यहां पे क्या मिल जाएगा दैट इज जी एच बराबर होगा जी इन ब्रैकेट वन प्लस माइनस टू एच बाय आर। अब ये हमेशा ट्रू नहीं है, देखो मैंने बताया ना ये चीज हमेशा ट्रू है, ये जो वैल्यू है ना ये ऑलवेज ट्रू है, ये जो वैल्यू है ये हमेशा ट्रू होगी, बट जो ये वैल्यू है ना ये हमेशा ट्रू नहीं होगी, ये वैल्यू तभी ट्रू होगी, ये वैल्यू तभी ट्रू होगी जब कंडीशन होगा कि भाई जो h बाय r का रेशो है, जो h बाय r का रेशो है वो बहुत कम है, which is less than one, okay? मतलब मेरा जो हाइट है वो बहुत छोटा है as compared to r। जैसे अगर हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ की बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर के आसपास होता है, दैट इज एवरेज अगर हम लोग देखने जाए। अब उसमें अगर मैं एक किलोमीटर दो किलोमीटर तीन किलोमीटर अगर ऐड करूं माइनस करूं तो उससे कोई फर्क नहीं होगा, मतलब ये जो h है वो as compared to r बहुत छोटा है, ये जो h है वो as compared to r बहुत छोटा है, तो सिंस बहुत छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला ट्रू रहेगा, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत कामगार फॉर्मूला है। बट तब कब तक भाई, जब तक तुम्हारा ये कंडीशन है, अब ये कंडीशन नहीं है भाई, आर का वैल्यू अच्छा खासा है बड़ा आर है तो ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू रहेगा, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये चीज पे ध्यान देना, मतलब ये तुम लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, हाइट बड़ा हो हाइट छोटा हो डजंट मैटर, यहां कभी भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मूला है, ये तभी लगेगा जब एच बाय आर इज लेस देन वन रहेगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, समझ में आया व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन में कितना होगा हाइट की वजह से। देखो जरा, अब देखो जरा एच का वैल्यू तो हमेशा छोटा रहेगा, मतलब ये वैल्यू हमेशा छोटा होगा, मतलब जी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा छोटा होता जाएगा ना, मतलब जैसे ही मैं अर्थ सर्फेस से ऊपर जाऊंगा तो वैल्यू क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा मेरे को छोटी मिलेगी ना, यस सर, एच बाय आर का वैल्यू हमेशा मेरे को छोटा मिलेगा तो ये वैल्यू हमेशा छोटी मिलेगी, मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होना चालू होगी। और तुम लोग यहां से भी समझ सकते हो, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है भाई, जो जी है और डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा भाई जी क्या होता जाएगा डिक्रीज होते जाएगा, मतलब अगर हम लोग हाइट पे जाते जाएंगे तो जितना हाइट पे हम लोग जाएंगे उतना जी का वैल्यू क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई, एक वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से, ड्यू टू द हाइट, ये किसकी वजह से था, ये हाइट की वजह से था। क्लियर, हाइट बोले तो एल्टीट्यूड। ऐसी हमको देखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से, ड्यू टू डेप्थ की वजह से, लैटिट्यूड एंगल की वजह से, मतलब इक्वेटर पे है कि पोल पे है तो वो वेरिएशन हमको देखना है। ओके, हम पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देखेंगे। ओके, बट ये सारा चीज हम लोग कहां देखने वाले हैं, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खुद से पढ़ाई कर लो। ओके, थोड़ा बहुत अगर खुद से तुम पढ़ते हो तो उसके बाद वीडियो देखते हो तो तुमको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आती है। ओके, तो तुमको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता सबके ऊपर। क्लियर, बात समझ आ रहा है? सो स्टार्ट कर दो, ग्रेविटेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ट्वेल्थ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ट्वेल्थ में जब तुम एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे ना, एमएससीटी देने जाओगे, जेई देने जाओगे, नीट देने जाओगे, तो वहां पे ग्रेविटेशन का बहुत ज्यादा स्कोरिंग या फिर बहुत ज्यादा बोलते हैं ना ये सिलेबस आता है। ओके, मतलब यहां पे इसका जो वेटेज है वो अच्छा खासा वेटेज है। क्लियर,
बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? चलो सो अगर यहां तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन है दबा देना, क्योंकि अगर नया वीडियो जा रहा है तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए फटाफट। ओके, और पढ़ते रहना ही, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।